बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप गोवा का वीडियो बनाते हो लेकिन मुंबई टूर का नहीं बनाते हो, तो आज आप लोगों के लिए लाया हूं मुंबई सिटी टूर। ये है ताजमहल टावर, ताजमहल पैलेस गेटवे ऑफ इंडिया के भी 21 साल पहले बनाया गया था, क्योंकि ऐसे पेड़ के ब्रांचेस आपको लग सकते हैं। सो नए सफर की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं जा रहा हूँ मुंबई टूर करने के लिए, लेकिन एक अलग ही और अनोखे तरीके में। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं मुंबई हेरिटेज टूर के बुकिंग के बारे में। तो बुकिंग बहुत ही इजी है, आप लोगों को प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप लोगों को कॉल करके और व्हाट्सएप करके बुक करना है और ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो ये टूर सिर्फ वीकेंड पे होता है, दैट इज सैटरडे संडे, और सिर्फ 3 बार बस निकलती है। तो फर्स्ट टूर होता है 5:30 बजे शाम को, सेकंड होता है 6 बजे और थर्ड होता है रात के 8:30 बजे। और ये सारी प्लेसेस आपको कवर कराते वो लोग, जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और प्राइस की बात करें तो ओनली 190 रुपीज, जो 1 से 1.5 घंटे का टूर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 190 में मिलता है अपर डेक का, और लोअर डेक का है 95 रुपीज़। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग लोअर डेक मत चूज करना, अपर डेक ही चूज करना, जो आप लोगों को बहुत फायदेमंद होगा और आप लोगों को बहुत कुछ देखने मिलेगा अपर डेक से, ये आप लोगों को वीडियो के दौरान पता चल ही जाएगा। तो ये उनका नंबर है, मैं आप लोगों को नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऑनलाइन बुकिंग करना प्लीज, वहां जाके अगर आप लोग ऑन द स्पॉट बुक करोगे तो टिकट नहीं मिलेगी, ऑलमोस्ट फुल रहती है ये, तो ऑनलाइन बुक कर लेना 2 से 3 दिन पहले। तो जैसे ही आप लोग टिकट बुक कर लोगे, आप लोगों को वो कंफर्मेशन भेज देंगे, जैसे मुझे यहाँ पे भेजा है टाइमिंग के साथ, और 190 रुपीज़ होता है पर पर्सन का, 2 लोगों का हो जाता है 380 रुपीज़। और इवन आप लोगों को वो लोग ये रूल्स भी भेज देंगे, वो आप लोग जरूर वहाँ पे पढ़ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ यहाँ पे, प्लीज आप लोग टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब इस बस में चढ़ने से पहले ही कर लेना, क्योंकि ये बस एक बार शुरू हो गई तो ये रुकती नहीं है, फिर ये डायरेक्ट 1 घंटे के बाद ही रुकेगी, तो 1 घंटे तक फिर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप लोग पहले टॉयलेट बाथरूम वगैरह कर लेना, ताकि आप लोगों को ट्रिप के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे खास बात तो इस टूर की यही है कि ये ओपन एयर होता है, तो ओपन एयर में आप लोगों को बहुत ही मजा आता है, आप लोग वीडियो में देख लेना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए सिर्फ ओपन एयर वाला ही बुक करना। बस का पिकअप पॉइंट ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, बेस्ट म्यूजियम डेपोर्ट के यहाँ पे, जो कि ऑपोजिट है रीगल सिनेमा के। मैं इसका लोकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोगों को जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे पहुंचने के लिए आप लोगों को बहुत ही इजी पड़ेगा, सिर्फ आप लोगों को चर्च गेट स्टेशन उतरना है या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन उतरना है, वहां से 6 रुपए में आप लोगों को बस मिल जाएगी ये डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो बोरोली से मैंने ट्रेन पकड़ी चर्च गेट के लिए, और रिटर्न टिकट का कॉस्ट हुआ है ओनली 30 रुपीज। तो चर्च गेट स्टेशन के सबवे से बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट साइड में एक बस मिल जाएगी, जो आप लोगों को लेकर जाएगी वेलिंगटन फाउंटेन, आप लोगों को उसी स्टॉप पे उतरना है, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लोकेशन दिया है वहां पे खड़े रहना है, और बस के टिकट का कॉस्ट हुआ है सिर्फ 6 रुपए, और एयर कंडीशन बस थी गाइस। तो ये है वो ओपन डेक बस जो हमें टूर कराएगी, और उसके पीछे है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और आप लोगों को खड़े होना है इस लोकेशन के पास आके, इसके पीछे है रीगल सिनेमा, और ये बस हमेशा यहाँ पे आके खड़ी रहती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो बस स्टॉप है, यहाँ पे आप लोगों को इंक्वायरी करनी है और ये बस यहाँ पे खड़ी रहती है। सो फ्रेंड्स, ये है रीगल सिनेमा जैसा आप लोगों को पता है, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप लोगों को काउंटर पे आके पूछना है, कंफर्म करना है कि आपने जो ऑनलाइन बुक किया था वो आपके नाम पे है या नहीं। वैसे तो ऑनलाइन ही आपकी कंफर्म हो जाती है। देखो हम लोग की बस भी आ गई, एग्जैक्ट टाइम तो मेरे टूर का है 5:30 बजे, लेकिन मैं 5:15 बजे आ गया, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइमिंग 5:15 बजे का होता है, और 5:30 बजे बस निकल जाती है, ऑन टाइम निकलती है, तो 5:30 से 6:30 आपको घुमाएगी। इसका रेट वगैरह तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब सीधा टूर करते हैं और फुल धमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे वो बस जो हम लोगों को मुंबई हेरिटेज टूर कराई, ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हो ये सारी प्लेसेस ये बस कवर करने वाली है, ये स्टॉप्स पे उतारेगी नहीं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ बाहर से दिखाएगी, बट 1 घंटे में ये पूरा टूर कराएगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है, और स्टे ट्यून, पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत धमाल होने वाला है। और जो लोग मुंबई में नए हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप गोवा का वीडियो बनाते हो, बहुत सारे अलग अलग जगह का वीडियो बनाते हो लेकिन मुंबई टूर का नहीं बनाते हो, तो आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मुंबई सिटी टूर। तो चलिए अब बस में बैठते हैं और फुल धमाल करते हैं ऊपर बैठ के, लेट्स गो।
तो फ्रेंड्स ऊपर से बस कुछ ऐसा दिखता है, तो आप लोग देख सकते हो मेरी सीट है 21, 22 और इस पर हम लोग बैठने वाले हैं। फुल आराम से ओपन एयर बस है, बहुत मज़ा आने वाला है और फुल धमाल करेंगे। तो बहुत सारी सीट्स है यहाँ पे, टोटल 36 सीट्स है और ये सैटरडे संडे को ये बस चलती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्ट में कि इसका टाइमिंग क्या है, कितना प्राइस है, सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। अब सिर्फ टूर करेंगे और फुल धमाल करेंगे। सो दिस गाय इज द गाइड और ये हम लोग को गाइड करने वाले आज। वेलकम टू द हेरिटेज टूर। तो जैसे ही हमें गाइड का इंट्रोडक्शन मिला, बस चल पड़ी हमारे सफर की ओर और सबसे पहले हमने देखा महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर्स, जो कि ग्रेड वन में लिस्ट किया हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और बनाया गया था ये 1872 और 1876 के बीच में। और राइट साइड में है रीगल सिनेमा। रीगल सिनेमा 1930 में बिल्ड किया गया था और ये सबसे फर्स्ट एयर कंडीशन थिएटर था इंडिया का। तो अभी हम पहुंच रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की ओर, बट रीगल सिनेमा और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में भी हमें बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स दिखाई गई जो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया, बिकॉज फिर ये वीडियो एक घंटे के ऊपर चला जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप खुद यहाँ आके इन डिटेल ये पूरा टूर विजिट करें, जिससे आपको भी एक अनोखा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया विच वॉज मेड इन दिसंबर 1911 टू कोमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ किंग एम्परर जॉर्ज फाइव। ऑल्सो यहाँ से आप लोगों को अलीबाग और एलिफेंटा केव जाने के लिए रेगुलरली फेरी भी मिल जाएगी। और अब हमारी बस जा रही है ताजमहल पैलेस की ओर और ये जो आप लोग देख रहे हो ये है ताजमहल टावर। ताजमहल पैलेस जो है वो एग्जैक्टली इसके बाजू में है। एंड दिस इज ताजमहल पैलेस होटल और इसके सामने से गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू बहुत ही अमेजिंग दिखता है। सैटरडे संडे को यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। ताजमहल पैलेस ओपन हुआ था 16 दिसंबर 1903 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ये होटल इसलिए बनाया था क्योंकि उन्हें वॉटसन होटल में एंट्री नहीं दी थी और आज देखो सबसे फेमस होटल पूरे इंडिया में ताजमहल पैलेस ही है। और ये ताजमहल पैलेस गेटवे ऑफ इंडिया के भी 21 साल पहले बनाया गया था। ये उस टाइम का फर्स्ट इंडियन होटल था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, अमेरिकन फैंस, टर्किश बाथ, जर्मन एलिवेटर्स और इंग्लिश बटलर्स थे। सो फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग इस बस में ट्रैवल करो और सब बिल्डिंग्स खड़े होकर देख रहे हो तो प्लीज़ सामने की तरफ भी ध्यान रखिए क्योंकि ऐसे पेड़ के ब्रांचेस आपको लग सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग आपका ध्यान ज़रूर रखिए। तो फ्रेंड्स ये बस आप लोगों को इतने सारे डेस्टिनेशन लेके जाएगी कि इवन बीइंग अ मुंबई कर आप लोग शॉक हो जाओगे कि ये सारे प्लेसेस आप लोगों ने देखी कैसे नहीं अब तक। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं मुंबई के मोस्ट फेमस प्लेस पे जो कि है मंत्रालय। और ये सब फेमस बिल्डिंग्स देखने के बाद आप लोगों को ये बस लेकर जाएगी मरीन ड्राइव की तरफ और पूरा मरीन ड्राइव घुमाएगी गाइस। और मरीन ड्राइव में जितने भी बिल्डिंग्स है उनके अलग अलग आर्किटेक्चर के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और इवन फेमस होटल लाइक द ओबरॉय, इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्रा सब घुमाया जाएगा। और सच में मरीन ड्राइव से ये सनसेट देखने का कुछ अलग ही मजा है जब आप ओपन एयर डेक बस में ट्रैवल कर रहे हो। तो मैं तो कहूँगा कि आप आपकी अगली वन डे पिकनिक यहाँ पे ज़रूर मनाना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही नॉलेजेबल है ये टूर। तो फ्रेंड्स अभी जितने भी डेस्टिनेशंस आएंगे वो मैं आप लोगों को वॉइस ओवर में नहीं बल्कि सबटाइटल में बताऊंगा।
सो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए फॉर बजट ब्रेकडाउन। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर चलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा और ये हमारे गाइड है, सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज नौशिर। हेलो, आर यू एन इन्फ्लुएंसर और समथिंग? या आई एम अ यूट्यूबर। ओह, सो थैंक यू सो मच फॉर द ट्रिप, यू आर मोस्ट वेलकम। एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। थैंक यू। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलिए अब घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इस ट्रिप का बजट ब्रेकडाउन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आपकी फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।